बरसों पुरानी दोस्ती कैसे बदली दुश्मनी में और फिर कैसे हो गया दोस्ती का कत्ल। नमस्कार, मैं हूं दीपिका पाथरे और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com। आइए जानते हैं हाथरस के सादावाद में क्योंकि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या। पहले दोस्ती भी इतनी गहरी कि अपने दोस्त की तरफ उठने वाली किसी भी निगाह को नोच फेंकने का जज्बा हो, लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, यूपी के हाथरस जिले की सादाबाद तहसील का वह युवा नेता जो युवाओं के बीच में अच्छा खासा असर रखता था और वह इतना लोकप्रिय भी इसीलिए होता जा रहा था कि उसके साथ उसके भरोसेमंद दोस्त जो थे, लेकिन एक छोटे से झगड़े और मामूली सी कहासुनी ने जिगरी दोस्त को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और एक दिन दहाड़े युवा नेता इंदु गौतम की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इलू गौतम की हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी के जिगरी दोस्त अंकित, लखन, अंकुश व सैम रहे। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, लेकिन पुलिस ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब बाकी बचे आरोपियों की तलाश में पुलिस की तवीज जारी है। कल थाना सादाबाद के अंतर्गत इलू शुभम गौतम की जो है हत्या कर दी गई, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे पुलिस टीम के द्वारा जो मेन अभियुक्त है उसको अरेस्ट किया गया। इसी घटना को अनावरण किया। कारण क्या रहे कि इस वजह से युवक हत्या की गई? ये दोनों काफी पुराने दोनों मित्र थे, आपस में दोनों में किसी बात को कासुनी लेकर जो है विवाद हो गया, उसी बात में एक दूसरे से दुश्मनी मानने लगे और कल इसने अपने साथियों के साथ मिलकर शुभम की हत्या की। इसमें आपस में बस केवल लड़ाई कि ये इसकी गली में एक बार गया, उसने उसके साथ मारपीट कर दी, इसी बात को लेकर थी। शेष मुजरिम बाकी हैं सर, अकेले ने क्राइम किया? अभी चार मुजरिम नेम थे, चारों के भी बाकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है, बाकी अन्य नाम भी कुछ प्रकाश में आए। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? आरोपी को हमारी पुलिस टीम के द्वारा नयाबाग से गिरफ्तार किया गया। नयाबाग। आइए आप स्वयं ही सुन लीजिए कि हत्या के आरोप में पकड़े गए युवक का क्या कहना है। आपने अपने दोस्त की हत्या क्यों की थी? लड़ाई हुई थी। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? कुछ नहीं, बस लड़कों के बीच लड़ाई हुई थी ग्रुप बाकी। तो आप अकेले ने गोली मार के हत्या की थी और किसके साथ में था? और भी साथ में लड़के थे। किस तरीके से की थी हत्या? के बुलाया कैसे था फोन करके? क्या कह के बुलाया था? उसने मुझे बुलाया था। फिर क्या हुआ? लड़ाई हुई। तो वहीं आपने गोली मार दी? कितनी गोली मारी थी? ये तो बता नहीं। आप सभी लोगों ने चलाई थी गोली? मौके पे खत्म हो गए थे? मौके पे खत्म हो गए? ये देखा नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि मैं हैरान हूँ क्यों उससे हुई थी दोस्ती अपनी, मुझे कैसे गवारा हो गई थी दुश्मनी अपनी। हाथरस के सादावास से दीपक पचौरी की रिपोर्ट। हाथरस एवं हाथरस के आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप टीवी 30 इंडिया के एंड्रॉइड ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।